हे है इस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो देख सकते हैं आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पनीर चीज बाइट्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चलिए बनाना शुरू करते हैं बेनालीड किए तो लेना है आपको यहाँ पनीर मैंने यहाँ लगभग सौ ग्राम पनीर लिया है फिर उसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज शिमला मिर्च टमाटर हरी मिर्च और फिर कुछ ऐड करने हैं आपको मसाले जैसे कि टेस्ट अकॉर्डिंग नमक चाट मसाला ब्लैक पेपर पाउडर रेड चिली पाउडर आरी और फिर क्या लेना है आपको चीज़ तभी तो चीज़ ही टेक्स्चर आएगा तो मैंने यहाँ लिया है चीज़ क्यूब्स और उसको ना कद्दूकस करा और फिर उसको भी इसमें ऐड करा देख सकते हो आप कोई सा भी चीज़ ले लो चीज़ स्लाइस ले लो चीज़ क्यूब्स ले लो आपकी मर्ज़ी और फिर इसमें ऐड करना है आपको सॉस मैंने यहाँ सेज़वान सॉस यूज़ करा है आप चाहो तो टोमेटो सॉस पिज्ज़ा सॉस कोई सा भी सॉस ले सकते हो और फिर उसको अच्छे से हाथों से रोल रोल कर लो स्क्वायर शेप दे दो और फिर लेना है आपको अलग से बाउल उसमें डालना है आपको टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लार या मैदा आपकी मर्ज़ी कोई भी ले सकते हो और फिर उसके बाद उसमें ऐड करो थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर फिर उसमें पानी मिक्स करो और आपको स्लरी बनाना है ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला मीडियम कंसिस्टेंसी की आपको स्लरी बना के तैयार करना है फिर लेना है आपको ब्रेड कोई सा भी ब्रेड ले लो और ब्रेड के कॉर्नर्स कट करके हटा दो और फिर कॉर्नर्स को फेंकना मत इसको ग्राइंडर में पीस लो और ब्रेड कम बना के तैयार कर लो तुरंत ही और फिर उसके बाद क्या लेना है आपको जो ब्रेड का हटाया था कॉर्नर वही ब्रेड लेना है आपको दूसरा नहीं लेना और फिर उसको ना इस तरीके से चार फॉर्म में कट कर लेना है इसके चार पीसेस करने हैं हमें बीच से कट करो फिर साइड से कट करो और फिर उसके बीच में ये फीलिंग को डालना है और ऊपर एक और ब्रेड से कवर करना है और इसको हाथों पे रोल करके शेप दे दो अच्छे से देख सकते हो मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ हाँ तो अच्छे से घुमा दो और फिर उसके बाद क्या लेना है आपको स्लरी जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है तो उस लरी में इसको पहले डिप करो देखो पहले अच्छे से डिप करो ठीक है और फिर उसके बाद लेना है आपको ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स में कोट कर दो अच्छे से चारों साइड से ब्रेड क्रम्स से कोट करो इसी तरीके से सारे को करके तैयार कर लो और फिर उसके बाद क्या कढ़ाई में आपको ऑयल गर्म करना है और इसको क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको इसको पका लेना है ना ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल मत करना लो टू मीडियम ही रखना फ्लेम ठीक है और फिर क्या बस क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक उलट के पलट के दोनों तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक फ्राई करो देख सकते हो और फिर मैंने ऊपर ना गार्निश किया है मेयोनीज से और फिर बीच में रखा है टोमेटो सॉस खाओ पियो इंजॉय करो मज़े में रहो सब्सक्राइब करो बाय बाय टेक केयर